दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, डूज एंड डोंट डूज इन अ स्मॉल बिजनेस। तो आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो ये है कि हम ऑलवेज एनालाइज योर मंथली सेल्स रिपोर्ट एंड हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा आपको, चाहे आपका 2000 का ही क्यों ना मंथली सेल हो रही हो, लेकिन आपको रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करके रखना है। ये जो डेटा है ये हमारे काफी काम आता है आगे बिजनेस में, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे हमें वर्कआउट करना है और क्या चीज अच्छी है। तो ये सारा डेटा, एक एक चीज आपको एक डॉक्यूमेंटेड रखनी है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था एज अ पार्ट टाइम, मैंने स्टार्ट किया था जॉब के साथ में, तो 2007 जबकि हम घर से कर रहे थे, तब से लेके अब तक का मेरे पास सारा रिकॉर्ड मिलेगा आपको एक्सेल सीट पे। मैंने एक एक चीज नोट करके रखी हुई है कि किस कस्टमर ने क्या चीज ऑर्डर करी और कितने रुपए। तो पूरा मेरे पास सेल परचेज सब चीज का एक डॉक्यूमेंट रहता है और ये मैं बहुत ही सीरियसली, चाहे मुझे रात के 12 बज जाए आज भी, मैं सब कुछ खुद अभी मैनेज कर रही हूँ। लेटर ऑन हम अकाउंटेंट रख लेंगे जो कि हमारी इसमें हेल्प करेगा, लेकिन अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो जरूरत पड़ेगी हमें अकाउंट्स के टीम को भी हैंडल करने के लिए, अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए। अभी भी अकाउंट्स में मेरा एक हेल्पर है, बट टोटली ही इज नॉट मैनेजिंग एवरीथिंग, बट हाँ कुछ पार्ट अकाउंटिंग का ही इज हैंडलिंग। तो इस तरह से हमें हर एक चीज को डॉक्यूमेंटेड रखना है शुरू से लेकर के, चाहे कितना भी स्मॉल बिजनेस क्यों ना हो आपका। और हमेशा एक और चीज आपको मैनेज करके चलनी है, हमेशा एक चीज पे आपको हमेशा एनालाइज करना है कि हमारे हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कस्टमर को क्या पसंद है और उस कस्टमर की पसंद के हिसाब से आप नए प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग में आपको वो चीजें हेल्प करेंगी। तो हमेशा इन दो चीजों को हमेशा आप लेके चलिए, डॉक्यूमेंटेड करके चलिए कि हमारा हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है और हमारी सेल्स का क्या है सीन, किस मंथ में ज्यादा सेल होती है, किस मंथ में कम सेल होती है। तो जिन मंथ में कम सेल होती है उनमें भी सर्वाइव कर सके, उसके लिए भी प्लान आप बना सकते हैं। तो इसलिए मेरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी को, हर एक बिजनेस ओनर को एक डॉक्यूमेंट्स जरूर मेंटेन करके चलना चाहिए सेल्स एंड परचेज एवरीथिंग का। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। इसी तरह से अगर आपको और भी ज्ञान चाहिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो करिए। इस सीरीज में आगे मैं बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने स्मॉल बिजनेस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक्स।